स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? ए HDFC बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बंधन बैंक। आंसर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन, अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में ग्लोबल फाइनेंस ने 2024 के लिए SBI को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी। SBI के चेयरमैन CS सेट्टी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी हरियाणा। आंसर ए उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन सेस स्थापित करने की घोषणा की है। ये सेस शिक्षा और कौशल विकास के एकीकृत केंद्र होंगे जो छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न, बर्दा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी असम। आंसर सी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, गुजरात के वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बर्दा वन्यजीव अभयारण्य और बर्दा जंगल सफारी के पहले फेज का उद्घाटन 29 अक्टूबर को देवभूमि द्वारका के कपूरदी चेक पोस्ट पर किया जाएगा। द्वारका में उद्घाटन किया गया बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात। आंसर सी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की सुविधा का उद्घाटन किया, जो देश की पहली निजी सैन्य विमानों की फैक्ट्री है। ये भारत में सैन्य विमानों के लिए पहला निजी क्षेत्र का फाइनल असेंबली लाइन है, जहां C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी चिराग पासवान, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। आंसर डी अमित शाह। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के हिस्से के रूप में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था।